ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेंस्ट्रुएशन के अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक टर्म मेंशन किया था, सबक्रायनिक हेमरेज। जी हाँ, ये सबक्रायनिक हेमरेज होता क्या है? क्योंकि देखिए, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए। उसमें से जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि एक स्पॉटिंग जैसा होता है, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। वो एक संकेत होता है कि आप प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रेगनेंसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ देखी गई है वो होती है सबक्रायनिक हेमरेज। इसमें होता क्या है कि जब आपका यूटेरस और जेस्टेशनल मेम्ब्रेन्स के बीच में अगर ब्लड का क्लॉट जमा हो जाए या ब्लड जमा हो जाए और उससे आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए, उस टर्म को कहते हैं सबक्रायनिक हेमरेज। और बहुत सारी महिलाओं में, जैसे कि 64-65 हज़ार महिलाओं में ये रिसर्चेस किया गया था, जिससे ये तथ्य सामने आया है कि 1.5 से 2% महिलाओं में सबक्रायनिक हेमरेज होता है। और इनफैक्ट उन महिलाओं में मैं भी शायद शामिल हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी सबक्रायनिक हेमरेज हुआ है। तो मैं अपनी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ था। जैसा मैं बताऊँ कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी बहुत पहले ही पता चल गई थी, जस्ट बिफोर माई पीरियड मिस्ड, क्योंकि 4 वीक के बाद मुझे थोड़ी सी चक्कर जैसे लगे थे। तो मैंने सोचा कि एक रेगुलर चेकअप अपनी डॉक्टर से कराऊं। तो डॉक्टर ने मुझे बीटा एचसीजी के लिए सजेस्ट किया। तो जो मेज़रमेंट आती है वो 7,000 आनी चाहिए, मतलब 4 वीक की अगर प्रेगनेंसी रहे उस वक्त वो मेज़रमेंट 7,000 आनी चाहिए, बट मेरी 12,000 से भी ज़्यादा थी। तो उस समय हम लोग सोच नहीं रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वी वर नॉट नोइंग कि हमारा ट्विंस होने वाला है। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड, जो रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि उस समय आपकी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उस वक्त। तो जब हम लोग कराने गए तो उस वक्त हमें पता चला कि वी आर गोइंग टू हैव ट्विंस इन आवर लाइफ। तो वी वेर वेरी हैप्पी, मी एंड माई हस्बैंड बोथ वेर वेरी हैप्पी, बिकॉज ट्विंस का नाम सुनते ही एक डबल सा फन, एक डबल सी एक्साइटमेंट होती है किसी के भी लाइफ में। देखिए, जो भी कपल जो कंसीव करना चाहते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं, अगर वो पहली अल्ट्रासाउंड कराती हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपको ट्विंस होने वाले हैं, वो बहुत ही खुशी का पल होता है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको, क्योंकि मुझे आज भी उनके वर्ड्स याद हैं, जो प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर मेरी जो थी, आयशा मैडम फ्रॉम मैक्स साकेत हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे ये बात बोला था कि आपको ट्विंस होने वाले हैं। ये जो होती है ना, ये सेंटेंस मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी। वी वेर वेरी हैप्पी। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। और फिर अचानक एक दिन क्या होता है, 7 मार्च 2018, व्हेन आई वाज 7 वीक प्रेग्नेंट, 7 वीक की मेरी प्रेगनेंसी थी, और मैं जस्ट कैजुअली रात को वॉशरूम से आई। वॉशरूम में मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग आ गई। वो रात के 3 बजे ये सारी घटना हुई थी, इनफैक्ट 2:30 से 3 कह सकते हैं। तो उसके बाद आई वॉज स्टार्टेड क्राइंग। बहुत ही बुरा वो पल था, मतलब अभी जस्ट हमें पता ही चला था 1-2 वीक पहले कि हम लोग के घर ट्विंस आने वाले हैं, और ऐसी घटना, हमारे जो होता है ना कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाना, वही हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी दुखी हुए थे, इनफैक्ट मैंने तो रोना भी शुरू कर दिया था। बट लेकिन मैंने पूरे टाइम भगवान से मिन्नत मांगी कि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। साईं बाबा को मैंने बोला कि साईं बाबा मेरे बच्चों की रक्षा करना। मैंने बहुत प्रेयर की, बहुत रोई, फिर वी रश टू हॉस्पिटल। बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। वो बहुत, मतलब एक खुशनुमा इंसान है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन उस वक्त उनका चेहरा देख के मेरे आँख से आंसू जो लगातार गिर रहे थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि क्या हो गया। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में सिर्फ हम दोनों थे, क्योंकि जैसे होता है ना कि बस एक, जब आप मुसीबत में पड़ते हो ना, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही आपके साथ होते हैं और कोई नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते होंगे कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपका पति ऐसा है, लेकिन मैं सच बताऊँ, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि ना, जब बुरे वक्त जब आपके पास
हज़ारों सैकड़ों वर्चुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन जो आपके रियल फ्रेंड होते हैं ना, वो आपकी फैमिली होती है। वो फैमिली ही आपको मुसीबत के टाइम पे खड़ी हुई मिलती है। उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, और जब डॉक्टर ने मुझे जल्दी जल्दी कुछ इंजेक्शंस लगाए, इंजेक्शन के बाद मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में जल्दी से शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनको देखना था कि बेबी की पोजीशन क्या है। मैं मिन्नतें कर रही थी कि मेरे बच्चे दोनों सुरक्षित हों। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि दोनों की हार्ट बीट है। ये चीज़ मेरी जान में जान लेके आ गई थी कि दोनों बच्चे मेरे सुरक्षित हैं, और उन्होंने कोई इंजेक्शन दी थी और उसकी वजह से मेरा ब्लीडिंग रुक गया। ब्लीडिंग रुकने के बाद से आई वॉज वेरी स्टेबल। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेबल हुई। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, पूरे 9 महीने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे वर्कआउट या फिर बहुत ज़्यादा मतलब अपने शरीर को थकाना नहीं था, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी या फिर बहुत लंबी वॉक के लिए मना कर दिया था। अब घर में अच्छे से मूव कर सकते हैं धीरे धीरे। मतलब कंप्लीट मुझे बहुत, उसके बाद से 7 दिन तक लगातार मुझे इंजेक्शंस पड़े थे। आई गेस मुझे प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शंस पड़ी थी। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि एक्चुअली वो क्या होता है। देखिए, होता है ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड। तो जो ऑयल बेस्ड जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि लगातार 7 दिन तक मुझे सुबह और शाम मुझे इंजेक्शंस पड़ते थे, और वो इंजेक्शन इतना ज़्यादा पेनफुल हुआ करता था कि मैं आई कुडंट वॉक, मैं चल भी नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शंस चेंज किए, वाटर बेस्ड प्रोजेस्टेरोन यूज़ करने के लिए बोला। उससे कुछ दर्द कम हुआ, लेकिन मैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद रिकवर हो गई, क्योंकि जो 1 हफ्ते का जो पेन था ना मेरा, जैसे कि पैर मैं उठा नहीं पाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता था इंजेक्शन का, मैं चल नहीं पाती थी अच्छे से। लेकिन फाइनली साईं बाबा ने मेरी सुन ली। देखिए, साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मैं दिल से मानती हूँ, और बस ये चीज़ थी कि मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित थे, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन एक चीज़ जो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन एक जो चीज़ थी वो थी कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई। मैं संदीप महेश्वरी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ पर्सनली। उनकी बातें मुझे अंदर तक टच करती है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरी उस दिन 7 मार्च 2018 को उनके साथ एक सेशन वाली मीटिंग थी। उनके सेशन पे मुझे इनवाइट किया गया था, मुझे ईमेल आया था, और आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे अगले दिन जाना है। 6 तारीख को मैं बहुत आराम से सो रही थी, बट 7 तारीख की सुबह सुबह ऐसा हुआ, इमरजेंसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ जो मैं उनके सेशन अटेंड नहीं कर पाई, जिस चीज़ का दुख मुझे आज भी है। लेकिन हाँ, खुशी है कि आज मेरे बच्चे सही सलामत है भगवान की दया से। क्योंकि देखिए, वो होता है ना कि संदीप महेश्वरी जी को जब भी मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, अगर आप लोग कोई भी अगर उनसे बहुत क्लोज हैं, या फिर आप उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करिएगा कि मुझे अपने सेशन में ज़रूर 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 बुलाएं। और कुछ देखिए इमरजेंसी थी कि मैं नहीं आ पाई, जिसका मुझे दुख है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका फिर से मुझे मेल आए, मैं उनके सेशन अटेंड करने के लिए फिर से जाऊँ। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो को बहुत दूर तक फैला देना कि संदीप जी को भी ये मैसेज ज़रूर मिल जाए मेरे वीडियो के थ्रू। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सबक्रैनिक हैमरेज वाला। तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, क्योंकि इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है कि कुछ प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकता है, कुछ मेम्ब्रेन्स एब्रप्शन हो सकता है, कई केसेस में मिसकैरेजेस भी देखे गए हैं। तो भगवान ना करे कि ये किसी के भी साथ हो, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए देखिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कमेंट भी ज़रूर करना है, क्योंकि हम लोग एक दोस्त हैं, एक परिवार हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होंगी, तो आपके और मेरे इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होनी चाहिए, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।